मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं हमारा लाइफ और स्टाइल चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग टीवी पर्सनालिटी की बायोग्राफी या फिर कह लीजिए उनकी पूरी लाइफ जर्नी, जिसमें हम बात करेंगे उनके अप्स एंड डाउन्स, उनकी पूरी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी पसंद और नापसंद, साथ ही बात होगी इनके लव अफेयर की और आखिर इन्होंने अब तक किन सीरियल में कैसा काम किया है। ये सब हम राज आपके सामने खोल कर रख देंगे आज। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम जिस एक्टर की बात करने वाले हैं उनका नाम है द वेरी स्टाइलिश, द वेरी टैलेंटेड, द वेरी एट्रैक्टिव टीवी एक्टर शाहिर शेख, जिन्हें आप रिसेंटली चल रहे टीवी सीरियल दास्तान मोहब्बत में सलीम के रोल में देख रहे हैं। जी हाँ, शाहिर शेख एक ऐसी पर्सनालिटी है टीवी टाउन की जो कि अपने मल्टी रोल से ये प्रूव कर चुके हैं कि वो किसी एक कैरेक्टर में बाउंड होकर नहीं रहते, बल्कि वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को बखूबी प्ले करना जानते हैं। जहाँ उनका लुक उनके हर सीरियल में आपको एकदम अलग मिलता है, तो वहीं रिसेंटली चल रहे दास्तान मोहब्बत में अगर सलीम के लुक की बात की जाए, तो जिस नज़ाकत से वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, जिस अंदाज से उन्होंने सलीम का गेटअप लिया हुआ है, वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ है। अगर बात की जाए शाहिर शेख के प्रोफेशन की, तो शायद आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये एक वेल एजुकेटेड टीवी एक्टर हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़कर अपने पैशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और आज उसी का रिजल्ट है कि शाहिर सबसे ज़्यादा पॉपुलर और अट्रैक्टिव एक्टर्स की लिस्ट में भी शुमार है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं शाहिर का ये शानदार सफ़र और आपको बताते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी ये कुछ खास इम्पोर्टेंट बातें। आप सभी के फेवरेट टीवी स्टार शाहिर शेख के बारे में जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए, वो कम है। वेल, आज हम आपको बताएंगे उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जिसे सुनने के बाद आपके चेहरे पर यकीनन आ जाएगी स्माइल। वेल, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि उनका पूरा नाम है शाहिर शेख और वो पेशे से एक एक्टर मॉडल होने से पहले लॉयर भी हुआ करते थे। जी हाँ, शाहिर शेख एक प्रोफेशनली लॉयर हुआ करते थे और अपने पैशन के चलते उन्होंने एक्टिंग वर्ल्ड में कदम रखा। इसके अलावा वो एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर सिंगर भी रह चुके हैं। तो वहीं अगर बात की जाए शाहिर शेख की डेट ऑफ बर्थ की, तो 26 मार्च 1984 को उनका जन्म हुआ था। बहदेरवाह जम्मू में जन्म लेने वाले हमारे शाहिर शेख की जोरिक साइन है एरेस, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो है एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग एक्टर। यानी कि अगर बात की जाए शाहिर शेख के स्कूलिंग डेज की, तो हरी सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, जिसके बाद न्यू लॉ कॉलेज भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र पुणे से उन्होंने अपना कॉलेज एजुकेशन कम्प्लीट किया, और फिर LLB से ग्रेजुएट उन्होंने फर्दर स्टडीज़ में अपनी एजुकेशन स्किल्स के साथ ये सारी डिग्रियां हासिल की। वेल, अगर बात की जाए शाहिर शेख के टीवी डेब्यू की, तो क्या मस्त है लाइफ, जो कि साल 2009 में टेलीविज़न स्क्रीन पर आया करता था, उसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का हाथ आजमाया था। तो वहीं अगर उनके डेब्यू फिल्म की बात की जाए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टूरिस्ट रोमांटिस, जो कि साल 2015 में एक इंडोनेशिया फिल्म थी, उसमें थोड़ा सा एक्टिंग करके उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए शाहिर शेख की फैमिली बैकग्राउंड की, तो उनके फादर का नाम शहनवाज शेख है और उनकी माँ का नाम दिलशाद शेख है। तो वहीं उनकी एक यंगर सिस्टर भी हैं जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद और काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती हैं। रिलीजन, जैसे कि इनके नाम से ही आपको पता लगता है कि इस्लाम से बिलोंग करते हैं हमारे शाहिर शेख। तो वहीं अगर हॉबी की बात की जाए, तो खाना बनाना, फोटोग्राफी करना, डांस करना आपके शाहिर को बेहद पसंद है। वहीं अब बात करते हैं शाहिर की कुछ ऐसी ख़ास चीज़ों के बारे में जिससे आपको उनकी पसंद और नापसंद का साफ तौर पर अंदाज़ा लगेगा। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहिर शेख का फेवरेट फूड है चाट, पिज़्ज़ा, पास्ता, राजमा और गरम गरम गुलाब जामुन, वो भी आइसक्रीम के साथ, उन्हें खाना बेहद पसंद है। वहीं अगर फेवरेट एक्टर की बात की जाए, तो बॉलीवुड में शाहिर शेख को सलमान खान बेहद पसंद है, और हॉलीवुड में लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्रैड पिट, एल पियानो, जॉनी डेप उनकी फेवरेट लिस्ट में शामिल है। तो वहीं फेवरेट एक्ट्रेस में करीना कपूर खान उन्हें बेहद पसंद है, और हॉलीवुड एक्ट्रेस में जेसिका अल्बा, एंजेलिना जॉली उनकी पहली पसंद है।
इतना ही नहीं, अगर उनकी फेवरेट फिल्म्स की बात की जाए तो ईयर 1994 में आई बॉलीवुड फिल्म अंदाज अपना अपना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उनके फेवरेट स्पोर्ट्स की अगर जहां तक हमारी खबरों के मुताबिक हमें नॉलेज है तो उन्हें क्रिकेट स्पोर्ट्स बेहद पसंद है। हालांकि अभी तो उनका स्टेटस अनमैरिड है, लेकिन उनके अफेयर की खबरें इंडोनेशिया के सिंगर जिनका नाम है आयु टिंग टिंग उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जोरों पर है। इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि शाहिर हमेशा से अपनी फैमिली के क्लोज पाए गए हैं, जहां पर वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अक्सर अपनी आए दिन नई नई फोटोज शेयर करते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो एक फैमिली वाले बॉय भी हैं। इतना ही नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि एक लंबे गैप के बाद शाहिर शेख ने अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर कमबैक किया था सीरियल दास्तान मोहब्बत, जो कि रिसेंटली आपको बड़ा ही खूबसूरत मोड़ लेते हुए नज़र आ रहा होगा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि अगर बात की जाए शाहिर शेख की पहचान की तो टीवी सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी से घर घर में पहचाने जाने वाले एक्टर शाहिर शेख जल्द ही छोटे पर्दे पर एक बार फिर इतने गजब का रोल लेकर आएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। जहां कुछ रंग के प्यार के ऐसे भी में इनका रोल एकदम प्रोफेशनल था, तो वहीं दास्तान मोहब्बत में सलीम के रोल में इन्हें अपनी एक्टिंग और अपने लुक्स में वेरिएशन लाने का काफ़ी अच्छा मौका मिला है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए इस सीरियल में इनके को आर्टिस्ट सोनालिका भदौरिया की, तो नालकरी के किरदार में वो भी शाहिर शेख को यानी कि अपने सलीम को पूरा पूरा सपोर्ट करती नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर हम शाहिर शेख के एक्टिंग टैलेंट की बात करें तो चाहे कोई भी सीरियल हो जैसे कि सान्या, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इसी टेलीविज़न सीरियल से की थी। इसके बाद उन्होंने क्या मस्त है लाइफ, झांसी की रानी, तेरी मेरी लव स्टोरी, महाभारत जैसे कई सारे टीवी शोज किए, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफ़ी अच्छी खासी पहचान मिली और उन्हें काफ़ी अच्छी सराहना भी मिली। अगर बात की जाए शाहिर शेख के शुरू से लेके अब तक के लुक की, तो क्या मस्त है लाइफ में, जहां वो एकदम काफ़ी यंग हुआ करते थे तो उन्होंने इसमें रागिनी जुनेजा जो कि इस सीरियल की टीनेजर थी उसके ऑपोजिट का रोल प्ले किया था, जिसका नाम था वीर मेहरा, और ये काफ़ी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के आसपास की कहानी थी। उसके बाद शाहिर शेख को उनके गजब के अंदाज में देखा गया बेस्ट ऑफ लक निकी नाम के एक सीरियल में, जिसमें वो डिज्नी का एक शो हुआ करता था और ये सीरीज थी अडॉप्टेशन अमेरिकन शो गुड लक चार्ली की। इसे बड़ी ही शानदार तरीके से इसके सीजन वन में शाहिर ने रितेश नाम के एक्टर का रोल निभाया, जो कि सीरियल की मेनली डॉली के बॉयफ्रेंड का रोल हुआ करता था। तो वहीं जब शाहिर शेख को खास पहचान नहीं मिली, तब उनकी झोली में एक ऐसा सीरियल आया जिसके बाद लोग उनकी क्यूटनेस पर मनमिटे। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नव्या नए धक्कन नए सवाल इस नाम के सीरियल से शाहिर शेख ने अपनी एक और जर्नी शुरू की और ये स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला एक ऐसा शो था जिसमें शाहिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लव स्टोरी के रूप में नज़र आए थे। और इस सीरियल में उनके ऑपोजिट थी नव्या, जो कि टीवी एक्ट्रेस सोम्या सेठ बनी थी उनकी गर्लफ्रेंड के रोल में। तो वहीं महाभारत में शाहिर ने एक ऐसा चैलेंजिंग रोल प्ले किया जिसके बाद लोगों को ये यकीन हो गया ये एक्टर सिर्फ लव स्टोरी ड्रामा ही नहीं कर सकता, बल्कि महाभारत जैसे रीति रिवाज वाले सीरियल भी काफ़ी अच्छे से फॉलो कर सकता है। जी हाँ, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला महाभारत में शाहिर शेख अपनी अर्जुन के किरदार में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। न इसमें सिर्फ इनका लुक ट्रांसफॉर्म दिखा, बल्कि इनकी बॉडी भी इनके फैंस को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती नज़र आई। तो वहीं आगे बढ़ते हैं और शाहिर शेख के कुछ और ऐसे सीरियल के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपने फैंस के दिल में जगह बनाने के लिए उनकी पूरी पूरी हेल्प की। अब बात करते हैं कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव के किरदार में, जी हां देव दीक्षित के किरदार में, एक बिजनेस टाइकून के किरदार में नजर आने वाले हमारे शाहिर शेख के रोल की। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि शाहिर इस सीरियल में आपको एकदम प्रोफेशनल बिजनेस मैन के रोल में नजर आए थे, जो कि अपनी ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड सोनाक्षी के प्यार में बेइंतहा डूबे हुए नजर आए थे।
इस सीरियल से उनकी इमेज एक लवर बॉय, एक आइडल हस्बैंड के रूप में बन गई थी, जिसे बाद में अब दास्तान मोहब्बत ने बड़ी आसानी से रिप्लेस कर दिया है। या फिर यूँ कह लीजिए कि हमेशा से ही शाहिर ने अलग अलग तरीके के रोल प्ले किए हैं, और रिसेंटली दास्तान मोहब्बत में वो शहजादे सलीम का रोल प्ले करके एक अलग ही लेवल सेट कर रहे हैं। वेल तो देखा आपने कि आसान नहीं है ये सब अचीव करना, वो भी इतने कम ड्यूरेशन, इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। लेकिन कुछ एक्टर होते ही वेरी टैलेंटेड हैं, जो अपनी एक अलग शख्सियत से अपने रोल को ऐसा डिपिक करते हैं कि उनके फैंस उन्हें मजबूर हो जाते हैं पसंद करने पर। और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे इस टीवी स्टार शाहिर शेख के बारे में। वेल तो आपको कैसी लगी शाहिर की ये खूबसूरत जर्नी, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको टीवी स्टार से लेकर बॉलीवुड स्टार से लेकर पॉलिटिकल स्पोर्ट्स के हर एक सेलेब की पूरी इन्फॉर्मेशन। Oh,